नमस्कार। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों को बेहद नुकसान हुआ है, जिसमें विशेषकर सोयाबीन तो पूरी तरह समाप्त हो गई है। केवल मक्का ऐसी फसल है जिसका उत्पादन अच्छा हुआ है, लेकिन न्यूनतम मूल्य जो तय है उससे कम से कम 1000 रुपए से लेकर 800 रुपए तक कम भाव में मक्का बिक रही है। जहां न्यूनतम मूल्य लगभग 1900 रुपया है प्रति क्विंटल, मेरे पास जो जानकारी मिली है उसमें मंगलवार 13 अक्टूबर को इटारसी मंडी में न्यूनतम मूल्य 700 रुपये क्विंटल है और अधिकतम मूल्य 1051 है। इसी प्रकार हरसूद मंडी समिति में एक मुझे जो रसीद मिली है जिसमें केवल 801 रुपए में मक्का बिकी है। अब आप देख रहे हैं कि ये मंडियों के खिलाफ काला कानून जो केंद्र सरकार लाई है, मंडियों में अब ये हालत हो गई है तो निजी मंडियों में क्या हालत होगी। मैं मामा जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, एक पैसा उसने कर्जा माफ नहीं किया, और एक तरफ कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में छिंदवाड़ा में मक्का फेस्टिवल करवाया था। मक्का जो है गरीब दलित और आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल खरीद की व्यवस्था की जाए और जो भी केंद्र सरकार के न्यूनतम मूल्य तय हुआ है उस पर खरीद व्यवस्था की जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।